नमस्कार मित्रों, मैं अनु त्रिपाठी। मैंने जब गुरसाईगंज थाने पे कल फोन लगाया तो लगा नहीं था, आज जब मैंने सुबह लगाया है तो इनकी बातों को जरा सुनिए। ये वहाँ के दरोगा साहब हैं, इनकी बातों को सुनिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ रिकॉर्ड के साथ करता हूँ, और इससे बहुत लोगों को तकलीफ भी होती है, बहुत से अधिकारियों को भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, उस गलत का पर्दाफाश करना हमारा काम है, मैं वो कर रहा हूं। मैं भी एक आजाद नागरिक हूं तो मैं कर रहा हूं। लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग के अनुसार आप सुनिए, ये सीधे तौर पे कह रहे हैं, इन्होंने ये तो कह दिया कि इनका मामला है, लेकिन ये कह दिया कि भाई वो मिलने नहीं आए या कुछ ऐसा नहीं वैसा नहीं, दुनिया की बात कर रहे हैं। इनको आप सुनिए। तो मैं जो हीरानंद जी हैं जिनके साथ ये प्रताड़ना जिनको दी जा रही है, उनको मैंने फोन कर दिया है, वो फिलहाल पहुंचेंगे गुरसाईगंज थाना, क्योंकि उनके अंदर एक जो डर है और भय है, उस डर और भय को हमने निकाला है। लेकिन अगर किसी भी तरह से उस व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत होता है, राजू और हीरानंद के साथ, तो इसका जिम्मेदार गुरसाईगंज थाना होगा किसी भी हालत में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो डर इनके अंदर भर रखा है, मतलब व्यक्ति गरीब है तो उसको डरा डरा के रखा जाता है और दबंगों से पैसा लेकर के उन्हें दबाया जाता है, ये नहीं चल सकता। हाँ, अगले आदमी की गलती है तो आप उस हिसाब से उनका इंसाफ करिए, लेकिन अगर गलती नहीं है, अगर किसी ने मारा है उसको, तो उसका इंसाफ उसे चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और हम तब तक उसके साथ खड़े हैं जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता। उस भाई को बोल दिया है कि वो जा करके मुझे फोन करे अगर वहां कोई दिक्कत आती है, जाने की आवश्यकता पड़ेगी पहुंचूंगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि उसे इंसाफ चाहिए, तो मतलब चाहिए। आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, गुरसाईगंज क्षेत्र में फैला दीजिए वीडियो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी ऐसे लोगों को हम इंसाफ दिला पाएंगे, वरना इंसाफ नहीं होगा। ये देश में कैसी कानूनी व्यवस्था है, ये आप लोग खुद आंखों से देख रहे हैं, तो शेयर करें और इस रिकॉर्डिंग को सुने। हेलो 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 जी, बताएं। थाना गुरसाईगंज से बोल रहे हैं जी? बोलो। मैं नुज कर रहा हूँ लखनऊ से। ये मुझे आपके यहाँ पे एक मामला आया होगा राजू और हीरानंद करके। राजू और हीरानंद? हाँ, ये कोई मतलब कुछ दबंगों द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया था। हाँ, तो वो काफी डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जब जाता हूँ तो मुझे धमकी दी जाती है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि पीड़ित वही है, उनको कैसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि क्या मैटर है इसका। एक तो आप उनसे पूछ लो कि वो कब गए थे और किससे मिले थे, ठीक है? नहीं, एक्चुअली वो मिले नहीं है, वो कुछ मतलब मिले बिना कैसे उनको आकाशवाणी से धमकी मिली कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा? नहीं नहीं, उनको एक्चुअली में उनके ऊपर मतलब प्रहार किया गया था, मारा गया था, तो 100 नंबर को बुलाया गया था। अरे वो सब छोड़िए भाई, आप ये करें ना कि वो करके जाते हैं तो बहुत डरे हुए हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं तो मैं आप काम करता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, मैं आपके पास में हीरानंद जी को भेज रहा हूँ, तो आप बस उनके मैटर को पूरा समझिए, उस पर कार्रवाई करवाइए प्लीज, आपसे निवेदन रहेगा। ठीक है, ठीक है। हेलो, सुन लिया ना दोस्तों? देखिए कैसे दरोगा साहब एकदम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आवाज तक नहीं निकल रही है।